सुप्रभात। गांधी जयंती के शुभ अवसर पर आज मैं श्रेयांश मणि तिवारी आप सबको गांधी जी के बारे में बताना चाहता हूँ। मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर शहर में सन 1869 में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे। गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था। 13 वर्ष की उम्र में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में और हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट में हुई। सन 1888 में वकालत की पढ़ाई करने के लिए गांधी जी लंदन गए और बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। महात्मा गांधी हमारी मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। उन्होंने हमेशा सत्य और अहिंसा का पालन किया। वह जब दक्षिण अफ्रीका गए तो उन्होंने वहाँ पे रंग भेद का विरोध किया और भारतीय समुदाय के लिए संघर्ष किया। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने भारतीय नागरिकता संबंधी मुद्दे को दक्षिण अफ्रीकी सरकार के सामने उठाया। धन्यवाद। सन 1914 में गांधी जी भारत वापस आए। उन्होंने बिहार की चंपारण और गुजरात के खेड़ा आंदोलन में भारत को सफलता दिलाई। गांधी जी ने लोगों के साथ मिलकर जमींदार और अंग्रेज सरकार का विरोध किया। उन्होंने खिलाफत आंदोलन के द्वारा मुस्लिम समुदाय के लिए कार्य किया। उन्होंने मुस्लिम लोगों को एकजुट किया और भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में सम्मिलित किया। वह देश के एकमात्र ऐसे नेता थे जिनका प्रभाव सभी समुदाय के लोगों पर था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार व स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर बल दिया गया और इसी के साथ गांधी जी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन चलाया, जिसमें उन्होंने नमक कानून तोड़ा और दांडी यात्रा की। इस सत्याग्रह में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ, जो कि बहुत ही शक्तिशाली आंदोलन था। इसी कारण भारत को 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी, पर आज भी बापूजी हमारे आदर्शों में जीवित हैं और सत्य और अहिंसा के सच्चे मार्ग पर चलने के लिए हम सभी को प्रेरित करते रहेंगे। धन्यवाद।